हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोगनी कैफ़े में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं, छोटे पपीज़ हैं उनको दस्त लग जाते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए, किस कारण से दस्त लगते हैं, तो अपने उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे ताकि जो आपके पपीज़ हैं छोटे तो उनको क्या है कि दस्त ना हो। तो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे ही आप 1 मंथ के आसपास जो पपी लाते हो तो उसका जो एक फिक्स डाइट रखना चाहिए और धीरे धीरे जैसे उनकी ग्रोथ हो उनकी डाइट बढ़ाना चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं कि अपने जो उनको जैसे ही डाइट स्टार्ट करते हैं घर पे लाते वक्त उनको जैसे बाजार का मिल्क पाउडर आता है वो देते हैं, या कई बार अपने गाय का दूध देते हैं या कुछ बकरी का भी दूध इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार क्या है, दूध में पानी मिक्स करके देते हैं, तो जैसे दूध को गर्म कर लिया उसमें पानी मिक्स कर दिया और उसको दे दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूध में पानी मिक्स करो फिर उसको हल्का बॉईल करो फिर उसको देना चाहिए। पहली बात तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है कि अगर आपका छोटा पपी है उसकी अगर प्रॉपर डीवर्मिंग नहीं हुई है तो वो क्या करेगा कि वो मिट्टी खाएगा, कचरा खाएगा, खाद खाएगा, अगर पार्क में कुछ कचरा है, पत्ते हैं वो खाएगा, तो उससे आपके जो छोटा पपी है उसको दस्त होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका प्रॉपर डीवर्मिंग कराओगे, वो डाइट मेंटेन रखोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अगर आप अपने जो छोटे पपीज़ हैं उनको रेडीमेड डाइट दे रहे हो तो रेडीमेड डाइट आप बैलेंस में देवें, एकदम से ज़्यादा ना देवें, क्योंकि अगर छोटे पपीज़ में आपने डाइट चार्ट अगर डॉग का मेंटेन कर लिया तो ये समस्याएं बहुत ही कम आपको देखने मिलेंगी, छोटे पपीज़ में डायरिया होने से संबंधित या अन्य कोई पाचन से संबंधित है। तो ये सबसे पहले तो आप काम यही करें कि आपके जो छोटे पपी है उनका जो डाइट चार्ट है वो मेंटेन कर ले, कब क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, तो आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास छोटे पपी हैं उनको अगर दस्त हो जाएं और तो अपने को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर लगे भी आपके जो छोटे पपीज़ हैं उनको दस्त हो चुका है, जो 1 मंथ से ऊपर हैं या 2 मंथ या 3 मंथ के आसपास हैं, तो उनको क्या है कि घरेलू तौर पर आप दही चावल दे सकते हो, जिससे क्या है कि उनके दस्त कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। नहीं तो क्या है कि आप मार्केट से स्पोरलैक नाम से एक टेबलेट आती है, आप वो दे सकते हो। जैसे 1 मंथ का पपी है तो उसको 1/3 या 1/4 हिस्सा दे सकते हो, उससे ऊपर है तो आप उसको हाफ या 3 महीने के आस हैं ऊपर है तो आप उसको 1 टेबलेट भी आप दे सकते हो। ये टेबलेट कब देनी है, जब डायरिया हो तब स्टार्ट कर देनी है, अगर उसका डायरिया स्टॉप हो जाए तो बंद होने के बाद भी आप क्या करें कि उसको 1 या 2 दिन दे सकते हो। और तीसरा जो एक क्या है कि मार्केट में सिरप आती है नॉर मेट्रोजिल, तो नॉर फ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोडेजोल होता है इसमें, तो आप ये भी आप अपने जो पपीज़ हैं उनको दे सकते हो ताकि आपका जो छोटा पपी है उसको दस्त ना लगे, वीकनेस ना आए। और आप खास बात ये भी ध्यान रखें कि आपके जो छोटे पपीज़ हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं ताकि किसी वायरस से संबंधित कोई डिजीज़ ना हो उसको। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। धन्यवाद, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए।